मालशेज घाट में तो मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ही इतना अच्छा लग रहा है। मालशेज घाट तो और हिल पे है। तो ग्रुप में यासीन भाई थे जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आई थिंक उनको जाना पड़ा फिर से। शिव एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नर्डी राइडर। तो आज है संडे की मॉर्निंग और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठीक है, हल्की सी धुंध है। तो आज हम एक नए सफ़र पे जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं मालशेज घाट, जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे। तो मालशेज घाट जिनको नहीं पता, वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस इन महाराष्ट्र। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें मानसून में विज़िट करना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। एक्साइटेड होने वाला है। अरे सर, अभी यासीन भाई आ गए और अपने मोबिन भाई आ गए। इस बंदे के वही से आधा घंटा रुके थे हम लोग और यहाँ पे खड़ा है ये। हाँ क्यों, सीरियसली उसके वजह से हम आधा घंटा रुके थे और यहाँ मिल रहे हैं हम लोग को। अभी मोबिन भाई बहुत सारी खाने वाला बंदा। क्या बात कर रहे हो, लेट कमर्स। यस, लेट कमर्स जिनके से लेट हुआ है, से हाय। आज का पूरा इनके ऊपर स्पॉन्सर था। फाइनली सब लोग आ गए हैं, थोड़ी देर में अपना राइड स्टार्ट करेंगे। आज का मौसम बहुत ही सुंदर है, देख रहे हैं क्या फॉग है, मज़ा आ रहा है एकदम राइड करने में। बहुत ही अच्छा, एकदम बोलते ना एकदम परफेक्ट टाइम है ये मालशेज जाने के लिए। फॉग ही फॉग है आज, अपनी फॉग लाइट काम आ रही है बहुत। तो ये रोड जाता है टिटवाला मंदिर और ये जाता है मुरवाड़। तो अभी हम जाएंगे मुरवाड़ होके। जबरदस्त रोड है, मालशेज घाट में तो मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ही इतना अच्छा लग रहा है। मालशेज घाट तो और हिल पे है। हाँ तो अभी फॉग नहीं है, फॉग चला गया है, अभी भी विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर हो गई है। रोड्स ठीक हैं, अच्छे हैं, चलाने में मज़ा आ रहा है।
अकेले राइड करने में जितना मज़ा नहीं आता जितना ग्रुप के साथ आए, क्योंकि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, मज़ा तो सबके साथ ही आता है। इसी मंथ हमारा एक और बड़ा राइड का प्लान है जो कि हम आउट ऑफ स्टेट जाने वाले हैं। आउट ऑफ स्टेट कहाँ होगा ये आप लोग गैस कीजिए, बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मार्शल घाट का मज़ा लीजिए। ओहो फॉग अभी तक गया नहीं है, वो सिटी में थे इसलिए फॉग नहीं लग रहा था, अगर फिर से हम थोड़ा आउट में आए तो फॉग फिर से स्टार्ट। कोई नहीं, मज़ा तो आ रहा है फॉग में। अभी गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है हमारे ग्रुप में से एक राइडर के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको एक रिटर्न जाना पड़ा, तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी लोग उसके साथ हैं तो वो भी आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक प्रॉब्लम हो गई है, बट क्या करें, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने कंटिन्यू की है राइड, तो ग्रुप में यासिन भाई थे जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आई थिंक किसी की डेथ हो गई है, तो उनको जाना पड़ा फिर से। हाँ यार एक सैड न्यूज़ मिल गई इस मॉर्निंग में ही, थोड़ा टाइम लगेगा मूड को ठीक होने में, ठीक है। तो थोड़ा सैड मूड से बाहर आ चुके हैं हम, और अभी तो एकदम क्लियर व्यू है, क्लियर विजन है, क्योंकि फॉग एकदम ख़त्म हो गया है, टाइम हो रहा है अराउंड 9:15, और यहाँ से अभी भी है 40 किलोमीटर्स मार्शेज घाट, तो जारी रखते हैं अपनी राइड, मज़ा आ रहा है, आधे लोग आधे हैं और मोबिन भाई मेरे साथ हैं पीछे। तो ये जा रही है महाराष्ट्र की आन बान और शान लाल परी, यानी ये बस की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कभी पंगा मत लेना घाट वाट में भाई, इसके जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर नहीं अपने आप को पायलट समझते हैं, तो लाल परी से कभी पंगा नहीं लेना, जाने दो जाने दो। क्या रोड्स हैं यार, और सोचो अगर मानसून में हम आते तो क्या मज़ा आ जाता व्यू का। जो आई थिंक यहाँ होती है हमारे नज़ारों की समाप्ति, आगे पेड़ पौधे नहीं दिख रहे मुझे, नज़ारों के चक्कर में तो कोई दिखा ही नहीं मुझे, और बाकी सब कहाँ है पता नहीं। तो अभी आप हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय के लिए, बीच में ड्राइवर चलाया ना मैं रुका, यहाँ से थोड़ी दूर और है, अराउंड होगा 20 किलोमीटर या उससे भी कम। लोकेशन बहुत अच्छा है, नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं, एकदम प्यार से चलने में लग गया, वो फॉलो किया था फिर पीछे छोड़ दिया मेरे को, अरे वो एओजी का ऑफिशियल राइड है ना। एक ब्रेक हो गया है ख़त्म, अभी थोड़ी ही दूर रह गए हैं, आधे लोग आगे रुके हुए हैं, कार को
ओ बाइक थोड़ी टच हो गई। मोविन भाई What's your name? Hi. What's your name? Tuna. Suna. Tuna. Tuna. C-H-U-N-A. This is Baba. This is Jimbo. This is Sandy. You too, then. Me too. Oh. My name is Shiv. How's this point? Rasu. Beautiful. Yeah. İlk defa maymun gördüm. Monkey. Oh. We see first time in my life. Okay. Monkey. Be careful of them. Yeah. तो भाई यहाँ से निकलते हैं और ऊपर जाते हैं। टॉप पे एक लेक है, वो लेक भी कवर करते हैं। अबे मैं इसके साथ नहीं, ये अपने साथ है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और थोड़ा ऊपर। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर ऊपर ऊपर। क्या व्यू है। तो अभी यहाँ पे एक लेक है, वो लेक भी हम कवर करेंगे। वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जब मैं कॉलेज में था तब मैं यहाँ पे आया था, अराउंड 7 or 8 ईयर्स पहले। सब लोग आगे निकल गए, मेरा गोप्रो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ा। हाँ अब ये दिक्कत हो गई है कि सब चले गए आगे, मुझे कोई मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ कहते रोड बहुत बेकार है। यार जिंदगी में तो दिक्कतें आती रहती हैं। चलो चलाता हूँ थोड़ा देर, देखता हूँ कहाँ हैं हम लोग, नहीं तो रुक के कॉल करता हूँ। कुछ भी हो नज़ारे बहुत सही हैं, पर कॉल कर ही देना चाहिए। हाँ भाई कहाँ पे हो? क्या सीधा सीधा आगे आ जाओ थोड़ा। दिख रहा हूँ क्या मैं? एक सेकंड, आप पेट्रोल भरने गए थे क्या? नहीं नहीं मैं रुक गया था थोड़ा। तुम लोग कहाँ हो, कहाँ पे? मैं सीधा सीधा आया हूँ, कहीं पे टर्न ले लिया है, थोड़ा ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऊपर मतलब पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। पहाड़ भी पे क्यों चढ़ रहे हो? हाँ तो वही अंदर कोई टर्न लिया रहेगा ना लेक पे जाने के लिए। नहीं लेक हम लोग आगे साइड रुके, इधर रुके। लोकेशन भेजो क्या? हाँ लोकेशन भेजो ना। हाँ यार गोप्रो की वजह से प्रॉब्लम हो गई, सब लोग बिछड़ गए मुझसे, सॉरी मैं बिछड़ गया सबसे। 10 मिनट मतलब मैं 4 किलोमीटर आ थोड़ा आगे आ गया। धीरे धीरे जाते हैं, नीचे जाना अभी हमको, गलती से हम ऊपर आ गए थे। हाँ।
व्यू मस्त है। यहाँ पे हैं सब लोग, चलो थोड़ा एडवेंचर हो जाए। लेट्स डू सम एडवेंचर। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होगा, अभी रिटर्न जाने की तैयारी हो रही है। चलो अभी निकालते हैं धीरे से। निकलो 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 निकलो। देखिए आज हमें कहाँ कौन मिला है, हमारे एमएस के भाई। तो यार आज दिन बन गया, एमएस के भाई से मिले हम लोग। वाह क्या मज़ा आ गया आज, मतलब मालशे जाना एकदम सफल हो गया। राइड में भी मज़ा आया और लास्ट में जो बोलते ना केक के ऊपर चेरी, एमएस के भाई बड़े फैन हैं हम उनके। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो अभी जाएंगे हम नॉन स्टॉप घर पे। तो काफ़ी मज़ा आया आज की राइड में, नज़ारों का भी मज़ा लिया हमने, कुछ पूरा भी हुआ कुछ अच्छा भी हुआ, बैलेंस्ड राइड थी पर मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और फिर से आपको वही सब व्यू दिखा के मैं बोर नहीं करूँगा, वही सब व्यूज़ हैं। तो बस मुझे लगता है हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए इस ब्लॉग को। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राइड सेफ।